दोस्तों रात बारिश आई थी, बारिश की वजह से देखें क्या सूरत हाल है मेरे मिनी जूम की। देख सकते हैं कपड़ा इधर से उधर और ये कपड़ा उधर से उधर, और हम वो सूरज देखें किस तरह माशाल्लाह प्यारा हो रहा है। और देखें उस कबूतर बाज ने अपने सारे कबूतर निकाले जो कि मेरा हमसाया कबूतर बाज है, सारे कबूतर निकाली। तो फैमिली अब क्या करेंगे, रात को बारिश आई थी तो हमने इधर से सप्लाई पड़ी थी उठा के उधर रख दी ताकि बारिश में पानी से सड़ ना जाए, इसलिए हमने उधर रख ली। और ये कपड़ा मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि बारिश इस साइड आती थी और मेरे बर्स को मतलब पानी जाता था, तो फिर मैंने ढाक दिया, मैंने कहा पानी वगैरह ना जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो, ठीक ठाक हो? यार अभी मैंने फ्रेश भी नहीं हुआ, देख सकते हैं आप मेरी हालत, और मैं अपने बर्स को देखने आ गया। ये होती है बर्स के लिए मोहब्बत। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी बर्स रखने हैं तो आपकी केयर करनी पड़ेगी, उनको केयर करनी पड़ेगी आपको। तो फाइनली अब जो है ना हम इनको कपड़ा छह वगैरह सेट करते हैं, फिर आपको ऐसे करके दो मिनट में मिलते हैं। पहले दोस्तों हमने कपड़े लगा लिए, लेकिन ये कपड़ा बहुत बहुत नीचे हो रहा है, इसका एक हल करना पड़ेगा, एक तार लगानी पड़ेगी लोहे की और इधर से नीचे लगानी पड़ेगी, तो एक हल ये करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि कल एक बेबी नीचे आया था इनका बर्स का, वो सामने वाले हांडी से, तो मैंने उसे उठाकर रिएक्शन की, सारा दिन इसके इसमें पड़ा रहा, फिर शाम को आया मैं उसके उसके पेरेंट्स के पास रख दिया, क्योंकि मैंने कहा अल्लाह खैर करे मेरे बेबी कुछ ना हो। लेकिन ये बहुत ही समझदार है, इन्होंने फीड देते रहे अपने बच्चों को। तो यार आई होप आज, यार थोड़ी माजरत कह रहा हूँ क्योंकि आज आपको पता नहाया नहीं हूँ, रात बारिश अंधेरी भी थी जिसकी वजह से मैं नहाया नहीं हूँ। बाकी मैंने बर्स की केयर करने आ गया, अब जाता हूँ फ्रेश होके, फिर आपको जो कि नई अपडेट देते हैं। देखें बर्स माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रह रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, और सब में एग वगैरह पड़े हैं, और थोड़ा इस कपड़े को ऊपर कर देते हैं, अब ठीक है, नहा के फिर आते हैं। दोस्तों मैं फ्रेश होके आ गया हूँ, फ्रेश होके अपने बर्स के लिए, वो पानी पड़ा है सामने, पानी भर के लाया हूँ, और ये खुराक पड़ी है। सबसे पहले इस फट्टे को थोड़ा पीछे कर लेते हैं, आगे जी पानी इसको उठा के इधर रख देते हैं। कहाँ से आ गई फिंचेस के लिए स्टिक बनाई है मैंने, तंग करोगे, देखिए स्टिक इधर हो ना, इधर लगनी चाहिए, ये यूँ हो जाए, ये फिर है कुछ माहौल, लेकिन करूँगा शाम को आके। दोस्तों आज के लिए माजरत, इंशाल्लाह कल को आपके आके ना शाम को ये आपकी सब सेटिंग करूँगा। पानी भरना है, पानी भर के फिंचेस के लिए, और खुराक भी डालनी है इनको। पहले दोस्तों इनका बर्तन साफ़ कर लिया, इनका बर्तन साफ़ करके अब बारी है जी उस सामने वाले टोकरी की, उधर भरते हैं जी आप फिंचेस की खुराक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़े हाथ गिले हैं, इससे थोड़ा सुखा लूँ हाथ को ताकि ये खुराक वगैरह मेरे हाथ में चिपक ना जाए, मतलब कि ये देखें, बिस्मिल्लाह ये जी इनकी खुराक मैंने रख दिया, फिर कंगनी वगैरह और बाजरा था बीच में, रख लेते हैं दोस्तों, इधर से पानी भरते हैं। फैनली दोस्तों मैंने अपने फिन चीज़ को खुराक भी डाल दिया, पानी भी रख दिया, और इनका सब बंदोबस्त कर दिया। ये कपड़ा थोड़ा सा इधर, इसको भी शाम को आगे सेट करेंगे, अभी फ़िलहाल आठ तौर पे लगाया है। बाकी जो मैंने शाम को बेबी छोड़ा था वो मेरा कामयाब हो गया, नुस्खा वो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था, उसकी हांडी के अंदर ही बेबी था जो बाहर निकल के आया था, एक दिन नीचे पड़ा, दूसरे दिन फिर मैंने उठा के उस हांडी में रख दिया ताकि उसके माँ बाप उन्हें अच्छी तरह से खुराक दे सकें। सबसे पहले इसको उधर से उठा लेते हैं क्योंकि बारिश की वजह से मैंने इसको उधर रख दिया, इसको उठा लेते हैं, इधर सारे इकट्ठे तारे हुए पड़े हैं दोस्तों, तारों को बोतल को उधर रख देते हैं और तारों वगैरह को सेट करते हैं। ये लगेगी इसकी इधर, आज दोस्तों गर्मी भी बहुत है और हबस भी है, इसको इधर लगा देते हैं। चलो ठीक हो गया, चलता है या नहीं चलता, बिस्मिल्लाह। वो दोस्तों देखे चल रहा है, देखें आप, और वो देखें मैंने सेटिंग कर ली है, वो चल रहा है कूलर पंखा, लेकिन अब इन्हें बंद कर देता हूँ। ये मैंने इसलिए सेट किया है कि मैंने कहा जो भी चलाएगा खाली ये बटन दबा के चला ले, तो ये बंद कर देते हैं। बाकी दोस्तों आज धूप भी बहुत तेज़ है और हबस मची खड़ी है, रात बारिश है ना ज़मीन से हबस निकल रही है, तो मौसम देखें माशाल्लाह से प्यारा मौसम है, लेकिन जो हबस है ना ये काम ख़राब हो रहा है, देखें सूरज कैसे मुंह के ऊपर आ रहा है। बाकी दोस्तों सामने आसमानी कबूतर भी उड़े हुए हैं, हमसे आगे शर्तें वगैरह लग रही है, कप वगैरह लग रहे हैं। बाकी मैंने कूलर में पानी का पंप निकाल दिया और इसलिए बाकी कर दिया वो फिंचेस की और सब की मैंने
इनकी डाइट ज़बरदस्त कर दी, इनको डाइट डाल भी दी। आज के लिए मादर इंशाल्लाह शाम को आके इनका कपड़ा सेट करेंगे और आपको वो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल उतरे में देहात को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये सामान वगैरह पड़ा है, इनका भी कुछ करें।